गुड न्यूज। नीट प्रवेश परीक्षा में ओबीसी आरक्षण न देने पर कोरमी महासभा पीलीभीत ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पीलीभीत नीट के प्रवेश परीक्षा सन 2021 में ओबीसी आरक्षण लागू न किए जाने के मामले में कुर्मी महासभा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कुर्मी महासभा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि नीट प्रवेश परीक्षा सन 2021 की विज्ञप्ति को जारी किया गया, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है, जबकि वहीं पर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण केंद्र के भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है, जो कि आज भी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ओबीसी वर्ग हेतु 27% आरक्षण लागू न किए जाने से लगभग 11,000 ओबीसी छात्र प्रतिवर्ष डॉक्टर बनने से वंचित हो रहे हैं। केंद्र एवं प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्य प्रवेश परीक्षाओं एवं नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण नहीं दे रही है, जिससे ओबीसी समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। कुर्मी महासभा पीलीभीत ने 3 सूत्रीय ज्ञापन में 27% आरक्षण को तत्काल लागू किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि मांगे पूरी नहीं हुई तो भारतीय कुर्मी महासभा उत्तर प्रदेश अन्य ओएसी संगठनों के साथ सामाजिक न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ज्ञापन देने वालों में भारतीय कुर्मी महासभा पीलीभीत के जिला अध्यक्ष महेश पटेल, जिला महासचिव शिव कुमार पटेल, मीडिया प्रभारी कृष्ण पाल सिंह पटेल, चंद्रभान गंगवार, हरीश गंगवार, दिनेश कटियार, हरिओम गंगवार, सुरेंद्र पाल, सत्येंद्र प्रताप, राम सिंह, ओम प्रकाश गंगवार आदि मौजूद रहे। पीलीभीत से इंद्रजीत सिंह राजपूत, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट।